तो मोइन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई सुबह के 7:30 बज गए हैं और हम लोग अभी उठे हैं क्योंकि यार रात को नींद नहीं आ रही थी। सुबह 4:30 बजे सोए हैं हम सब। भाई मच्छर बहुत काट रहा है यहाँ पे, तो सफाई करना पड़ेगा लग रहा है बहुत। रात भर नहीं सोए हैं, सफाई करना पड़ेगा भाई। रवि बड़ा ये भी सोया नहीं है राजकुमार, रात सर्दी खांसी दोनों हो गया भाई। रात को सोया नहीं तो देख गंदा तो रूम, इसको थोड़ा साफ करना होगा भाई। यहाँ जो पूरा मच्छर ने घर बना लिया अपने यहाँ पे, तो भाई थोड़ी देर में साफ करेंगे। सर्दी खांसी दोनों का तबीयत भी ठीक नहीं है भाई। देखते हैं, अभी थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा थायराबैंड कर लेते हैं। देखिए थायराबैंड लगाया हुआ कल जो मैंने किया था। चलिए थायराबैंड थोड़ा सा करते हैं, फिर बाहर जाएंगे कुछ नाश्ता करने। लेके अंडा वंडा लेके आएंगे, यार कुछ अनहेल्दी खा नहीं सकते हैं। वेट है, ओवर वेट हूँ मैं 5-10 किलो, तो इसको वेट लूज करना है मुझे कैसे भी। फिलहाल 7:30 बज चुके हैं। ओके, तो करते हैं थोड़ा एक्सरसाइज और फिर नाश्ता वास्ता करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखिए थायराबैंड कर रहा हूँ मैं, और आप लोग भी थायराबैंड कर सकते हो। जो बंदे स्पोर्ट्स में हो या कोई भी एथलीट हो, उसको थायराबैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ कीजिए, आप खेले या ना खेले, क्योंकि यार अगर नहीं करोगे तो पता है स्ट्रेंथ नहीं आएगी और इंजरी हो जाएगी मेरी तरह। जैसे मुझे इंजरी होगी, शोल्डर में पेन हो रहा है ज़्यादा मैच खेलने से। तो इसलिए अगर जो ज़्यादा मैचेस खेलते हैं या जो भी स्पोर्ट्स में हैं, थायराबैंड जरूर कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज सुबह शाम जरूर कीजिए, आधे आधे घंटे, आपका स्ट्रेंथ बना रहेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए हमारे राजकुमार भाई कपड़ा पैक कर रहे हैं, अब जा रहे हैं भाई शादी में। कितने बजे निकलेगा? 12:30। 12:30 बोल दे, 3 बजे इसकी ट्रेन है भाई। बंदे ने रिजर्वेशन करवा लिया, पूरा AC में सो के जाएगा। जाएगा पटना कहाँ? मोतिहारी मिल गया ट्रेन। वाह, देखिए भाई पूरा साफ कर रहे, सब कपड़े ले जाएगा। भाई मुझे भी सेट करना है कपड़ा यार, जाके उधर नहीं तो रात में मच्छर उठा ले जाएगा। अकेला हूँ आज, कल तो राजकुमार था इसलिए नहीं उठा पाया मच्छर। अकेला हूँ, रात में मच्छर उठा लेगा मेरे को। बाहर आ गए थे अभी मैं अफजल, राजकुमार दही खा रहा है। मुझे सर्दी हो रहा है इसलिए नहीं खा रहा मैं काफी की दुकान पे। मैं रोज़ यहीं से दही खाता था, बट अभी नहीं खा रहा क्योंकि यार सर्दी बहुत ज़्यादा है। और बेटा हंस रहा देख राजकुमार जा रहा है, बहुत खुश है, मच्छर छुटकारा मिल जाए तेरे को। दोस्तों अभी बाहर गया था मैं, और अभी आ गया मैं और राजकुमार। अफजल पहले आ गया था, नाश्ता कर गया हो, और अभी लेके आया हूँ अंडा, केला, दूध वगैरह सब लेके आ गया भाई। ये देखिए सब कुछ लेके आ गया, पनीर वगैरह सब ले लिया। यार नाश्ता बहुत लेट कर रहे हैं तो हेवी नाश्ता होना चाहिए ना। और राजकुमार अपना वेज बिरयानी ले लिया खाने के लिए, चावल ले लिए, नॉर्मल चावल होता है उसमें और कुछ नहीं। तो भाई चलिए नाश्ता करते हैं। 12:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हुए, रात में बहुत लेट सोया था, उसकी वजह से यार लेट नाश्ता करना पड़ रहा है। बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से अंडा उबालते हैं और खाते हैं। आप लोग भी, आई लंच टाइम है और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट करें सोच लो। तो फाइनली दोस्तों 1 बज चुके हैं और हम लोग का देखिए ओट्स अभी बन के रेडी हुआ है। 1 बजे ओट्स बनाए भाई, इतनी ज़ोर से भूख लगी थी यार, अभी खा रहा हूँ मैं ओट्स। और आप लोग क्या खाया कमेंट में जरूर बताना, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सपोर्ट मी ब्रो, प्लीज़। भाई मेरा खाना फिनिश हो गया भाई, नाश्ता। अभी हमारा भाई राजकुमार जा रहा है भाई शादी में। राजकुमार ने बैग पैक कर लिया, राजकुमार निकल रहा है 5-6 दिन। कब आएगा तू? 5-6 दिन में आ जाएगा भाई। राजकुमार को बहुत मिस कर रही है। राजकुमार अच्छे जा रहा भाई, मजे से जाना, दिखा रहा वीडियो में ऐसा है नहीं, ठीक है मजे जाना, हाँ अच्छे जाना, ठीक है। ओए अफजल, राजकुमार जा रहा है, राजकुमार जा रहा, राजकुमार, राजकुमार बोल रहा हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी भाई, ब्रो मिस यू भाई, वापस आऊंगा, मिस यू वापस आऊंगा, वापस आएगा 5 दिन बाद जा रहा भाई, अच्छे जा रहा राजकुमार, और ट्रेन में जाके फोन कर दियो। चल ठीक है भैया, बाय। फाइनली दोस्तों राजकुमार चला गया अभी, और वो 5-6 दिन बाद आएगा। और मैंने ओट्स खा लिया था अभी, बहुत जोर से भूख लगी है, 1:30 बज गया, पूरा दिन बेकार हो गया भाई। कभी लेट मत उठना यार, लेट होने से पूरा दिन का लॉस है, कुछ नहीं कर सकते आप। ये देखिए मैं बना रहा हूँ ऑमलेट, बना रहा हूँ और ऑमलेट अंडा भुजिया बना रहा हूँ, और विथ पनीर के साथ, पनीर डाल दूंगा उसमें, 200-150 ग्राम पनीर है। ये बना के मिक्स करके खाऊंगा, क्योंकि यार अंडे से पेट भरेगा नहीं, पनीर और दोनों मिला के, टमाटर प्याज काट दिया मैंने, मिर्च, इसको बना के बनाता हूँ और खाते हैं भाई। आप लोग भी खाइए, लंच टाइम में मैं डिनर कर रहा हूँ सॉरी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ यार, बहुत भूख लगी जोर से। ये देखिए तेल मेरा हमारा गर्म हो गया, अब इसे प्याज डाल देते हैं और मस्त
फाइनली दोस्तों अभी बुखार जैसा लग रहा है मेरे को यार, और राजकुमार अभी चला गया है, तो जो मैं पनीर बना रहा था, पनीर और अंडा का भुजिया, ये देखिए पनीर और अंडा दोनों मिक्स कर दिया, टमाटर मिर्च प्याज और चिकन मसाला डाल के ये भुजिया बनाया मैंने, देखिए मस्त लग रहा है ना। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, 2 बज रहे हैं भाई और आज पूरा दिन निकल जाएगा हम लोग का खाने में, और चक्कर भी आ रहा है, टाइम से नहीं खाओगे तो तब चक्कर भी आएगा, बुखार भी लग सकता है, जैसे मुझे सर्दी खांसी हो रही है, और पूरा दिन निकल गया आज 11 बजे से उठ के, सो के उठा था मैं 10:30-11 बजे, तो अभी अफजल रूम में है और मैं और अफजल ही बचे हैं, राजकुमार तो निकल गया। ठीक है दोस्तों, शाम हो चुकी है, दोपहर में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो फिलहाल अभी हम लोग चिकन लेके आए हैं, चिकन बना रहे हैं, ठीक है देखिए इसमें चिकन है, अभी लाइट मैंने चेंज कर दिया, लाइट यहाँ लगा दिया, एक लाइट ख़राब हो गया, तो ये चिकन और मसाला वगैरह लिया है, अफजल अभी बाहर गया है, तो प्याज ख़त्म हो गया था, प्याज लाने गया अभी कुछ, और मसाला वगैरह, लहसुन का पेस्ट वगैरह, तो आज चिकन बनाएंगे। राजकुमार चला गया, 6-7 दिन बाद आएगा वो, शादी में मोतिहारी गया वो, और अभी फिलहाल चिकन बनाते हैं, और पूरा दिन अच्छे से खाना नहीं हुआ, तबीयत ख़राब था, दवाई खाया तो अभी तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है, फिलहाल बनाते हैं चिकन, आप लोग भी बनाओ कुछ हेल्दी। तो हमारा चिकन बनना स्टार्ट हो गया है, और अभी डाल दिया मैंने प्याज और मिर्च डाल दिया है इसमें, 300 ग्राम प्याज डाला है और 600 ग्राम चिकन है, 600 ग्राम तो 300 ग्राम प्याज और 6-7 मिर्च डाल दिया हरा मिर्च, और ये हमारा चिकन देखिए धो दिया बढ़िया से, तो अभी फिर से एक बार धो देंगे चिकन को, थोड़ा सही से धुलाया नहीं है, ये साफ हो गया, अब चल सही से धो भाई इसको, तो ठीक है इसको 6-7 मिनट भूजेंगे प्याज को, और लास्ट में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। ठीक है तो हमारा प्याज भून चुका है, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया इसमें, 7-8 मिनट आपको प्याज भूनना है लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे, और 6-7 मिनट डाला था मैंने, और दूसरा आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको अदरक लहसुन का पेस्ट जो आता है मार्केट से मिलता है, ये भी डाल सकते हैं रेडीमेड, मगर आप घर पे बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, घर पे अगर जेन्युइन टेस्ट आएगा आपका, तो प्लीज़ आप घर पे बनाएं लहसुन अदरक का पेस्ट, इस पर पीस के बना सकते हैं आप, पीसने का भी मेरे पास है बट टाइम नहीं उतना, इसलिए नहीं बना पाया, तो अदरक लहसुन का पेस्ट 4-5 मिनट भूंजे मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद क्या करना है आपको, चिकन डाल देना है इसमें, जो भी मैं करने वाला हूँ, ये देखिए चिकन डालूंगा मैं इसको, पांच मिनट मैंने भून दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें 700 ग्राम ही चिकन है, इसमें डालेंगे आराम से, मस्त डाल दिया, और इसको 10-12 मिनट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, देखिए पावर कितना है, 600 पे मैं भून रहा हूँ इसको, अगर आप इंडक्शन पे बना रहे हो तो इसका ध्यान दीजिए कि आप 600 पे ही आपको प्याज भूनना है, अदरक लहसुन का पेस्ट भूनना है, और फिर चिकन को भूनना है। ठीक है चिकन ऑलमोस्ट भून चुका है, 10-12 मिनट चिकन भूने, देखिए टेक्सचर देखिए चिकन का कैसा लग रहा है दोस्तों, आपको बताइए आप कमेंट करके, ये देखिए तो भाई ऑलमोस्ट चिकन हम भून दिए हैं, और आप थोड़ी देर में इसमें डाल देंगे मसाला, तो मसाला डालेंगे इसमें, जीरा पाउडर डालता हूँ मैं और मिर्च पाउडर, और सब मसाला आपको दिखाता हूँ। ठीक है पहले देखो चिकन का टेक्सचर कैसा आ गया, थोड़ा थोड़ा लाल जैसा हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा मसाला डाल देना है, 10-12 मिनट भूनना है चिकन आपको अदरक लहसुन का पेस्ट के बाद, भुजा गया था और अभी मैंने मसाला डाल दिया इसमें, देखिए कौन कौन सा मसाला मैंने डाला इसमें, ये देखिए ये है मिर्च पाउडर, शाही गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और चिकन करी, ये जला और थोड़ा नमक डाला था, ये हमारा नमक, ऐसा अच्छा क्वालिटी का नमक आप यूज़ कर सकते हैं, टाटा का, ये भी अच्छा है, यहाँ का ब्रांड है ये, तो सारे मसाले डाले मैंने आधे आधे चम्मच, और मिर्च पाउडर डाला मैंने 1/2 चम्मच से 1/2, मतलब 1/4, ठीक है, क्योंकि मैंने हरा मिर्च में ऑलरेडी 6-7 डाल चुका हूँ, ये देखिए हरा मिर्च दिख रहा है आपको, तो देखिए हमारा चिकन का टेक्सचर कैसा रहा है, अब इसको भूनेंगे हम 10-12 मिनट 600 पे, ओके, और उसके बाद थोड़ा टमाटर डालेंगे, ओके, जैसा ये फोर्थ स्टेप है, ओके, हम लोग चिकन का टेक्सचर कैसा, कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब मैंने इसको 10-12 मिनट मसाले को भून दिया है, और इसमें आप डालेंगे टमाटर, छोटा टमाटर ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, तो छोटा टमाटर डाल दिया मैंने थोड़ा टेस्ट के लिए, थोड़ा खट्टापन समा जाए, ठीक है, तो डालते हैं टमाटर, ये देखिए टमाटर डाल दिया थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, और 2-3 मिनट इसको भूनेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपका मन, अगर आप रोटी में खा रहे हो तो आप पानी ना डालें, चावल में खा रहे हो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो इसमें, बट मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा कि सटे ना, ठीक है, तो टमाटर डाल के थोड़ा भूनता 2-3 मिनट इसको। पहले दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने इसमें, प्याज टमाटर भून गया था हमारा, ये 5वां स्टेप है हमारा, तो भाई देखिए, और इसको 6-7 मिनट 1000 फ्लेम पे इसको झांक देंगे, ठीक है, और इसमें इसको पकाएंगे 6-7 मिनट तक, तो थोड़ा पानी अगर सूख लेगा
थोड़ा पानी कम हो जाएगा, उसके बाद हमारा चिकन फिनिश। ठीक है, तो ऐसा चिकन बनाओ आप दोस्तों, बहुत टेस्टी बनेगा। ठीक है, अब बना के देखो और कमेंट करना, बहुत टेस्टी बनेगा चिकन आपका। देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया रहा। मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा एक बंदा है जो थोड़ा ज़्यादा खाता है, वो देखिए वही है अफजल, तो इसको थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, इसलिए बोला ग्रेवी डाल दिया इसमें। और नहीं तो वो अगर तीन तीन चार चार रोटी खाते ना दोस्तों, तो फिर मैं पानी डालता ही नहीं। ओके, थोड़ा पानी डालना पड़ा क्योंकि रोटी हम लोग ज़्यादा खाएंगे ना, और ग्रेवी तो चाहिए हम लोगों को। ओके, लोगों का चिकन ऑलमोस्ट बन चुका है, 6 से 7 मिनट तक या हमने इसमें मतलब हाई फ्लेम पे 1600 फ्लेम पे देखिए मैंने इसको बनाया, 1600 फ्लेम पे इसको मैं उबाल रहा था, पानी डाल देता था, ज़्यादा पानी डाल देता क्योंकि हम लोग रोटी ज़्यादा खा रहे ना दोस्तों, इसलिए ग्रेवी थोड़ा चाहिए हम लोगों को, इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया मैंने। अगर आप लोग रोटी कम खा रहे हो तो पानी इसमें न डालें, पूरा डालें, इतना डालें कि सटे ना बस। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट चिकन तैयार है, 2 से 3 मिनट में बंद कर देंगे इसको, 2 मिनट में। ओके, तो चलिए बंद करते हैं और खाएंगे तो अदरे पहले। तो फिलहाल दोस्तों मैं और अफजल निकल के रोटी लेने, क्योंकि रोटी तो घर पे बना नहीं सकते, तो मैं और अफजल जा रहे हैं भाई रोटी लेने बाहर। ठीक है, चलते हैं वही कान की दुकान पे और वही रोटी। तो आ गए हम लोग भैया रोटी लेने यहाँ पे भैया की दुकान पे अफजल के साथ। ये ज़्यादा रोटी खाता है भाई, ये 10-12 रोटी खा जाता है, देख लीजिए इसको भाई, देख रहे हो ये भाई हमारा बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? अंडा भुजिया। भैया के दुकान पे ही लेता हूँ मैं रोटी, हमेशा अच्छी रोटी बनाते हैं, रोटी का साइज देखिए इनका, इतना बड़ा रोटी बनाते हैं। 4 रुपये में इतना बड़ा रोटी मिलता है, देखिए रोज। और ये खाया था 10 रोटी ऐसे ऐसे दानवर जानवर भाई। दोस्तों रूम पे आ चुके भाई रोटी लेके, और ये देखिए चिकन और हमारा ये रोटी, देख लीजिए बुकर नंबर 1 को कौन है सब पता चलता है, बुकर नंबर 1 15 रोटी खाने वाला इंसान बोल रहा है बुकर नंबर 1। तो भाई खाते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए भाई लंच डिनर, सॉरी भाई रात हो चुकी है, बहुत जोर से भूख लगी, चलिए खाते हैं। हम लोग का चिकन बन गया था और हम लोग खा लिया, अभी देखा होगा आपने मस्त चिकन बना था, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा दोस्तों। अब तेरे को कैसा लगा? बढ़िया था भाई, बहुत सही बता, तो अच्छा बना था भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा रख दिया, सुबह खाऊंगा ये, देखिए सुबह नाश्ता मिलता नहीं है तो सुबह थोड़ा सा खा लूँगा, 2 पीस बचे हुए और 2 रोटी रख दिया मैंने। तो चलिए खाना खा लिया, अब सोते हैं भाई। आज दोपहर में मेरा बहुत तबीयत ख़राब था तो फिलहाल अभी सोता हूँ। ठीक है, राजकुमार चला गया बेचारा, आज उसका शादी है घर पे, भगवान कर अच्छे से पहुँच जाए वो और शादी मस्त इन्जॉय करे, हमारी दुआ है भाई राजकुमार के साथ। अब बेटा आप जल्द सोया हुआ है, खाना खा लिया है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, तो चलिए टेक केयर एंड गुड नाइट। इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं भाई, 11 बज चुके हैं। ओके, और कल एक नए ब्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर और सावधान रहें और खुश रहें भाई। ओके, गुड नाइट, और चिकन मस्त बना।